चार चीजें कभी वापस नहीं आ सकती, वक्त जो गुजर गया, लफ्ज जो मुंह से निकल गया, भरोसा जो एक दफा टूट गया, मौका जो हाथ से निकल गया। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि अगर तुम किसी को बदलने जाओगे तो हो सकता है वो तुम्हें ही बदल डाले। आजजी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और अस्तगफार में शिफा है। तन्हा रह ले मगर अपना मयार मत गिराए, इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। बाज औकात मंजर गलत नहीं होता, ऐन मुमकिन है हमारा अंदाजे नजर ही गलत हो। अंदाजे नजर बदले, मंजर बदल जाएगा। जो बातें तकलीफ दें उन्हें दिल में रखने की बजाय पांव के नीचे रखें। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ हिम्मत तो जरूर देती है मगर शनाख्त छीन लेती है। बर्दाश्त करो तो बुजदिल, सामना करो तो बदतमीज। दुनिया में आना आसान है लेकिन इससे छुटकारा पाना मुश्किल। किरदार खुलते हैं तो पता चलता है, बातों से तो हर शख्स पारसा है। जब आपका रवैया लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता तब उनका असली चेहरा सामने आता है। अना तीन हरूफ पर मुश्तमिल एक छोटा सा लफ्ज है जो बड़े से बड़े, गहरे से गहरे रिश्तों को तबाह कर देने की सलाहियत रखता है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला खूब जानता है। दोस्ती और रिश्तों की गहराई का एहसास अल्फाज से नहीं, बर्ताव और रवैया से होता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां अमल करने से ज्यादा फॉरवर्ड करने में सवाब समझा जाता है। सोच समझ कर दुख सुख बांटा करो, ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। चाय के साथ बिस्किट ने एक सबक तो दिया है कि अगर किसी में ज्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। जब तक अल्फाज किताब से निकलकर अमल में शामिल नहीं होंगे ना दिल बदलेगा ना दिल की दुनिया। गिबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की हैं। ना किसी से डरने की जरूरत है, ना किसी के आगे झुकने की जरूरत है, क्योंकि इज्जत जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए डरना भी अल्लाह से है और झुकना भी अल्लाह के आगे है।